तो अब हम शिवलिंग में पानी चढ़ाने, नहीं काट दो, जल चढ़ाने बोलना है ना। तो अब हम गौरी कुंड से शिवलिंग में पानी चढ़ाएंगे। यार अच्छा नहीं आया, जल बोलना था। आयशी आजा, चल मंदिर चल रही है या। चलना मंदिर। चलो चाचा मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत आपका एक और नए व्लॉग में। तो समय बज रहे सुबह के 9:30। अभी हम जा रहे हैं गांव की तरफ, वहां से हम पिकअप करेंगे अपने भाइयों को और सीधे जाएंगे महादेव जी के दर्शन करने। चलो चाचा मैं जा रहा हूँ मंदिर। अच्छा ठीक है, वो है ना बढ़िया बढ़िया फोटो खींच के लाना। बिल्कुल बिल्कुल। कि जय महादेव, जय महादेव। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो इस व्लॉग में मैं जाने वाला हूँ गांव के प्राचीन मंदिर की तरफ। बिल्कुल मेरे नीचे की साइड है, ऊपर गांव से आ रहा हूँ मैं। तो आज हम जाने वाले हैं हंसेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। आपको मैंने ऑलरेडी कई व्लॉग्स में दिखाया हुआ है, यानी कि अगर आपने मेरे पिछले साल के व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने हंसेश्वर महादेव की पूरी स्टोरी बताई थी, हर एक डिटेल बताई थी उस वीडियो में। तो आप नीचे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और रही बात आज दर्शन करने की, तो आज है मंगलवार का दिन, मैं जा रहा हूँ सीधे दर्शन करने, क्योंकि कई दिन हो गए थे महादेव जी के दर्शन नहीं कर पाया था। तो अभी जा रहे हैं हम लोग और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई आज के दिन का, बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो फिर भी चलते हैं दर्शन करने महादेव जी के। चलो फॉलो करो, आ जाओ। तो बस मंदिर हमें दिख चुका है, वैसे तो गाँव से ही दिखने लग जाता है, ऊपर की तरफ है गाँव और यहाँ पर है मंदिर। बाकी सब लोग पहुँच चुके हैं, हम लोग थोड़ा सा धीरे आ रहे थे। तो आप बस यहाँ का नज़ारा देखिए, मैं नीचे से आपको नज़ारा दिखाता हूँ मंदिर का भी, आप नज़ारा देखिए और एंजॉय करिए। महादेव मेरे, कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। भोलेनाथ मेरे, कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। जलाधार से, प्रसाद से, हाथ जोड़े भाव से, करूं मैं तेरा शुक्रिया। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और अभी हमें गौरी कुंड के सामने, अभी हम निकालेंगे यहां से पानी। ये निकालेगी पानी, ये है सपना, देखा होगा इसको, तो आप जानते होंगे आलू छंचा गल, और ये है सुहाना गौर। चलो आपको दिखाते गौरी कुंड, गौरी कुंड के दर्शन कराते। और हाँ, अगर कभी आप हमारे गांव आए, अगर यहाँ पे आपको सांप दिखे तो डरना मत, आम बात है, वो काटते नहीं है। ये जो यहाँ पे जो पानी है ये नेचुरली आता है, इसका स्रोत जो है वो मतलब जमीन के अंदर से ये पानी निकलता है और ये हमेशा भरा रहता है, ये आपको कभी खाली नहीं दिखेगा। कभी कभी हम इसको साफ भी करते हैं, बाबा जी हमको इसको साफ करने के लिए कहते हैं, तो सारा पानी बाहर निकालने के बाद भी ये एकदम से बहुत जल्दी भर जाता है। और ये पानी मतलब इतना शुद्ध है कि मतलब इसको हम पी भी सकते हैं और इसको हम शिव जी पे चढ़ाते हैं इस पानी। जो भी गांव की जो भी औरतें होती हैं और जो भी मतलब महिलाएं होती हैं वो यहीं पे स्नान करती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये गौरी जी के स्नान का स्थान है। तुम ही साधक की साधना, तुम ही सागर तुम साहिल, तुम ही साधक की साधना, तुम ही सागर तुम साहिल हो, तुम हो बसते हर एक कण में, तुम ही शाश्वत तुम क्षणिक हो, तुमसे मिलकर इतना जाना जो हाथ तुमको थमा दिया, फिर डर नहीं किसी बात का, महादेव ने गले ला लिया। महादेव मेरे, कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। शंभुनाथ मेरे, कैसे करूँ तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। Thank you.
गलती मेरी थी याद तुमको करता था बस दुख घड़ी में हारा मन जब बेसहारा बन के आया तेरे दर पे तुमसे थलपटा कर रोया तुमने ही तो सर सहला और सुन के मेरी रूहानी बातें बन नूरानी बना दिया महादेव मेरे कैसे करूं तेरा शुक्रिया। तो अब हम लोग गौरी कुंड से शिवलिंग में जल चढ़ाने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं जल चढ़ाने। तुमसे थलपटा कर रोया तुमने ही तो सर सहला और सुन के मेरी रूहानी बातें बन नूरानी बना दिया महादेव मेरे कैसे करूं तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया बिना नाथ मेरे कैसे करूं तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया जलाधार से प्रसाद से हाथ जोड़े भाव से करूं मैं तेरा शुक्रिया कृष्ण भगवान जी के मंदिर की तरफ जो कि हमारे पितरों की याद में बनाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तुम ही साधक की साधना तुम ही सागर तुम साहिल हो तुम हो बसते हर एक कण में तुम ही शाश्वत तुम क्षणिक हो तुमसे मिलकर इतना जाना जो हाथ तुमको थमा दिया डर नहीं किसी बात का महादेव ने गले ला लिया महादेव मेरे कैसे करूं तेरा शुक्रिया पितरों के नाम लिखे गए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, जय हंसेश्वर महादेव।